तो हम लोग देख रहे थे स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन, ये होता क्या है। तो देखो इसमें ऐसे समझो कि हम लोग बोले कि जैसे कि मान लो कि सी अर्चिन का कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, वही पर्टिकुलर स्पीसीज का हम लोग बोलेंगे जो एग और जो स्पर्म होगा वही एक दूसरे से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अट्रैक्ट होगा या फिर हम लोग बोलेंगे फ्यूज करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो हम लोग बोलते हैं कि इसमें होता ये है कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है मतलब फीमेल का जो एग होता है उससे एक केमिकल निकलता है, और वो केमिकल किस तरफ जाता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म की तरफ जाता है, और स्पर्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस या कीमो अट्रैक्शन। बोलने का मतलब ये हो गया कि सी अर्चिन, जैसे कि देखो सी अर्चिन कहाँ पर रहता है, हम लोग बोलेंगे मान लीजिए सी वाटर है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, सी वाटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ है, मतलब फीमेल गैमेट है, सी अर्चिन का एग है, ठीक है ना। तो एग से क्या निकलता है, कुछ केमिकल, एग से क्या निकलता है, कुछ केमिकल निकलता है, ठीक है ना। इसको मैं सी लिख रहा हूँ, सी स्टैंड्स पर क्या चीज, केमिकल, ठीक है। केमिकल निकलता है, कहाँ निकलता है, सी वाटर में निकलता है ना। अब ये केमिकल सी वाटर से होते होते कहाँ पहुँचता है, हम लोग बोलेंगे मान लो यहाँ पर क्या चीज़ है, मान लो यहाँ पर मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट तक पहुँचेगा। तो मेल गैमेट क्या करेगा, इस केमिकल को क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद मेल गैमेट किस तरफ अट्रैक्ट होगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, टुवर्ड्स द एग, एग मतलब ओवम की तरफ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कीमोटैक्सिस में कुछ नहीं है, कीमोटैक्सिस में क्या है, जो ओवम है वो क्या निकालती है, एक केमिकल को निकालती है, उस केमिकल को कौन सेंस करता है, स्पर्म, और क्या करता है, ये किस तरफ मूव करता है, किस तरफ अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स दी ओवम की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो अट्रैक्शन या कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म अट्रैक्ट तो हो जा रहा है, तो लेकिन ये मूवमेंट कैसे करके प्रोवाइड हो रहा है, स्पर्म ये मोबिलिटी को कैसे करके गेन कर रहा है, अट्रैक्ट तो हो जा रहा है लेकिन हम लोग बोलेंगे स्पर्म मोबिलिटी को कैसे, मतलब स्पर्म का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि मान लो ये क्या चीज़ है, मान लो ये सी अर्चिन है, एक सी अर्चिन का मैं बना रहा हूँ, ये सी अर्चिन है, ठीक है, और ये मान लो सी अर्चिन का क्या है, गोनैड है, ठीक है ना। यहाँ पर गोनैड में क्या बना है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म बना है, ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है गोनैड्स में। तो अगर गोनैड्स का हम लोग पीएच देखेंगे, गोनैड का अगर हम लोग पीएच देखेंगे तो कितना होगा, 7.2 होगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि गोनैड का पीएच 7.2 में जो स्पर्म जो गोनैड के अंदर है वो किस फॉर्म में रहता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब स्पर्म के पास मोबिलिटी नहीं है, मतलब स्पर्म के पास जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं है, मतलब स्पर्म मूव नहीं कर सकता। किस पीएच पे, हम लोग बोलेंगे 7.2 पीएच पे ना, मतलब इनसाइड द गोनैड। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे सी वाटर में आ गया ना। तो सी वाटर का पीएच क्या होता है, सी वाटर का पीएच हम लोग बोलेंगे गोनैड्स के पीएच से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब 7.6 होता है। और देखा गया है ये 7.6 पीएच में क्या होता है, ये स्पर्म के पास क्या आ जाता है, हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी आ जाता है, मतलब मूवमेंट का कैपेसिटी आ जाता है, तब जाके ये क्या करता है, मूव करता है, और कहाँ तक पहुँचता है, हम लोग बोलेंगे एग के पास। तो क्वेश्चन आता है ये 7.6 पीएच जो होता है सी वाटर का, वो ऐसा क्या कर देता है कि स्पर्म के पास क्या आ जाए, मोबिलिटी आ जाए। तो देखो ये करता क्या, देखो अगर हम लोग स्पर्म को देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है, अगर हम लोग स्पर्म को देखेंगे तो ये क्या, अगर हम लोग स्पर्म को देखेंगे तो ये क्या चाहिए, स्पर्म का क्या है, टेल है, ठीक है, टेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लैजेला है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब ये स्पर्म सी वाटर में आया तो सी वाटर का पीएच कितना हो गया, सी वाटर का पीएच कितना हो गया, 7.6 पीएच हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है या फिर टेल है, ये किसका बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये बना होता है किसका, माइक्रोटिब्यूल्स का, ठीक है, याद रखना माइक्रोटिब्यूल्स का बना होता है। और ये माइक्रोटिब्यूल्स में एक मोटर प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है, फिर मोटर प्रोटीन लगा हुआ रहता है। इस मोटर प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डायनिन। जहाँ भी मोटर बढ़ाएगा वहाँ पर याद रखना मूवमेंट होगा, क्योंकि ये मोटर प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, डायनिन, ठीक है। तो बोला जाता है ये जो 7.6 पीएच जो होता है, ये 7.6 पीएच क्या करता है, ये मोटर प्रोटीन डायनिन को क्या करता है, एक्टिव करता है। अब ये मोटर प्रोटीन डायनिन जब एक्टिव होगा तो ये मोटर प्रोटीन डायनिन क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को। और वो एनर्जी सफिशियंट होगा किसके लिए, हम लोग बोलेंगे स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे स्पर्म क्या करता है, मोबिलिटी या मूवमेंट को क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो
यहाँ पर क्या चीज़ है, गोनाइट्स है, गोनाइट्स मीन्स टेस्टिस। टेस्टिस में क्या स्पर्म इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव का मैं बोलने का मतलब होगी कि वो उसके पास मोबिलिटी नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता, इसीलिए मूव नहीं कर सकता गोनाइट के अंदर, क्योंकि गोनाइट का पीएच क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 7.2 है, और 7.2 में ये स्पर्म मूव नहीं करेगा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे स्पर्म रिलीज होगा कहाँ, सी वाटर में, तो सी वाटर का पीएच क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एलिवेट हो जाएगा, मतलब 7.2 से कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। तो बोला जाता है ये जो 7.6 पीएच होता है ना, ये 7.6 पीएच क्या करता है, एक मोटर प्रोटीन जो कि जो टेल होता है स्पर्म का उसमें लगा होता है, उस मोटर प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डायनिन। इस डायनिन को ये क्या करता है, एक्टिव करता है, हम लोग बोलेंगे जैसे ही डायनिन एक्टिव होता है तो ये डायनिन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, तब जाके हम लोग बोलेंगे स्पर्म क्या करता है, स्विम कर पाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे मूव कर पाता है, और किस तरफ जाता है, हम लोग बोलेंगे ओवम की तरफ जाता है। इसी होल मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो अट्रैक्शन या कीमो टैक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि चलो कीमो अट्रैक्शन तो हो जा रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बट द एबिलिटी टू मूव डज नॉट प्रोवाइड द स्पर्म विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। मूवमेंट तो हो गया लेकिन अब स्पर्म को पता कैसे चलेगा कि हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करके कहाँ तक पहुँचना है, ओवम के पास तक पहुँचना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाउ द स्पर्म गेट डायरेक्शन, मतलब स्पर्म कैसे करके क्या, स्पर्म को कैसे करके क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है। तो इसको जानने से के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो एग होता है ना, जो एक होता है सी अर्चिन का, जैसे कि मान लीजिए क्या चीज़ है, सी अर्चिन का एक है, देखो यहाँ पर ये सी अर्चिन का एक है, सबसे बाहर का लेयर को हम लोग याद रखना बोलेंगे क्या चीज़, जेली लेयर, ठीक है। उसके अंदर का जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन इनवेलप या वाइटिलिन लेयर, और उसके अंदर का जो ये होगा लेयर उसको हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़, सी अर्चिन का क्या हो गया, एग हो गया, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सी अर्चिन का एग, ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सी अर्चिन का जो एग होता है, खासकर एग का सबसे बाहर वाला लेयर, मतलब कौन सा लेयर, जेली लेयर, ये जेली लेयर क्या करता है, एक केमिकल को निकालता है, उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं रिसैक्ट, उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं रिसैक्ट। और ये रिसैक्ट को अगर हम लोग केमिकली देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, 14 एमिनो एसिड का क्या चीज़ है, एक पेप्टाइड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोटीन है, ठीक है। ये केमिकल क्या है, 14 एमिनो एसिड का पेप्टाइड है, जो कहाँ से निकल रहा है, सी अर्चिन के एग के सबसे बाहर वाला लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेली लेयर। और यही पेप्टाइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, स्पर्म को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शनल क्लू प्रोवाइड करता है कि तुम क्या करो, इस डायरेक्शन में मूव करो, और कहाँ तक पहुँचो, हम लोग बोलेंगे ओवम तक पहुँचो, ठीक है। तो रिसैक्ट ऐसा क्या करता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।